Assalamualaikum. I hope all are doing great. I have talked about a movie Double XL previously. एक पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म भी है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज हाइफन डबल एक्सल. उसमें भी यही इशू जो है वो हाईलाइट किया गया है कि जब आप फैट होते हैं तो आप एक तरह से क्रिमिनल होते हैं सोसाइटी में. सोसाइटी डज नॉट एक्सेप्ट यू. फिर कोई भी आपकी चीज़ जो है वो देखी नहीं जाती. कोई आपकी अच्छी हैबिट, कोई चीज़ जो आपको दूसरों से डिस्टिंग्विश करे, दैट एक्चुअली गोज इन टू द बैकग्राउंड. और फिर आपकी ओबेसिटी जो है वो सामने आ जाती है. मुसलसल उस पर क्रिटिसिज्म होता है कि आप सोसाइटी में फ्रीली मूव भी नहीं कर सकते. देन यू अवॉइड वेडिंग इवेंट्स, गैदरिंग्स, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग दैट पीपल विल क्रिटिसाइज यू बैडली. इसी तरह से इस मूवी में हुआ कि इवन पेरेंट्स भी स्पेयर नहीं करते. एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और उनको हर तरह से अपने बच्चों को हेल्प आउट करना चाहिए. लेकिन अब एक ही बात बार बार करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. इफ़ यू आर हार्पिंग ऑन द सेम ट्यून एंड दैट टू इन अ वेरी हार्श मैनर, दैट विल एंड अप हर्टिंग द फिज़िकल एज वेल एज द मेंटल हेल्थ ऑफ योर चाइल्ड. और जो दूसरी चीज़ ये है कि वी शुड लव पीपल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कॉम्प्लेक्शन, एथनिक एफिलिएशन, जेंडर एंड बॉडी टाइप. अगेन आई विल से आई डू नॉट सपोर्ट ओबेसिटी, लेकिन एक बार कह के, दो बार कह के आपको चाहिए कि आप अपनी ज़बान बंद कर लें, बजाय इसके कि बार बार एक ही बात कहें दूसरे बंदे को. क्योंकि दूसरे को भी पता है कि वो किस सिचुएशन में है और उसको क्या करना चाहिए. और इसके लिए जो फैट लोग हैं इनके लिए भी यही है कि बजाय इस पे इनज़ार करने के और इसको नॉर्मलाइज़ करने के और इसी के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने के, उनको चाहिए कि वो अचीवेबल टारगेट्स रखें. जैसे 1 kg इन 1 month ये लूज़ करना है. अब ये कोई इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है. स्लो एंड स्टडी वाला रखें अपना सिलसिला, लेकिन हाथ पे हाथ रख के ना बैठें. और इसको जो है ना एक्सेप्ट इस तरह से ना करें कि ये हो ही नहीं सकता. जैसे मूवी में दिखाया वो कहती है कि मैं जानबूझ के नहीं करती, बिल्कुल ऐसे ही होता है. आपको क्रेविंग्स होती हैं और अगर ये इतना ईजी हो तो फिर हर बंदा ही कर ले. वेट लूज क्रेविंग्स होती हैं, लेकिन अपने ऐसे टारगेट्स रखें कि जिनको अचीव करना बहुत ईजी हो. और ये नहीं होता कि डाइटिंग करने का मतलब स्टारवेशन नहीं होता. आप लो कैलोरी फूड से अपनी फिलिंग करें और जो है अपना फेवरेट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज चूज़ करें जिसमें आपको मज़ा आता है. एंजॉय करके इसको एक फ़न टाइप एक्टिविटी बना के ये करके देखें, ताकि आप भी बाकियों की तरह फ़ील करें, कॉन्फिडेंट फील करें, आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी फील होगी और अच्छा लगेगा, सब लोग भी तारीफ करेंगे. और एक चीज़ है कि जिस तरह इंसान जो है ना इसमें बहुत पावर होती है, अगर वो करना चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है. थोड़ा सा अपने माइंड को हावी करें अपनी बॉडी के ऊपर, माइंड से सोचें कि यस आई कैन डू इट. और डाइटिंग में आप बहुत सारे जो है ना यमी मील्स भी बना सकते हैं. उसमें ये नहीं होता कि जो भी आपने खाना है वो बहुत ही फीका और टेस्टलेस ही होगा. उसकी यूट्यूब पे बहुत सारी रेसिपीज़ पड़ी हैं, आप उस तरह से भी अपने डाइट प्लान को लेके चल सकते हैं. बट यू नीड टू हैव अ प्रॉपर प्लानिंग एंड अ स्टेट ऑफ माइंड फर्स्ट. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. आई होप यू लाइक्ड इट. थैंक यू.